हाँ जी जनाब, जिस ब्रांड की कल बात करी थी, जिसकी मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, ये वाला ब्रांड है। जो सबसे पहली चीज़ है ना ऑन द स्पॉट, ये वाला अभी मैंने खोला भी नहीं है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया, ये अनटच है। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये है हाइड्रामाइड, इसके अंदर ना हेलोरोनिक एसिड डला होता है। मुँह धोने के बाद मुँह को बिल्कुल साफ़ नहीं करना और ये अप्लाई करना, इससे ग्लो आती है। ये बहुत अच्छा है, मेरी तरह से रिकमेंडेड है। और थोड़ी सी अमाउंट लगती है और ना बड़ा अच्छा सा ग्लो आ जाता है। मुँह धोने और मुँह को टावल से साफ़ नहीं करना, दो पंप लगा लेने मुँह पर और उसी तरह उसको ड्राई होने देना। और ये ऑयली बिल्कुल नहीं है और वाटर बेस्ड है, जिसकी वजह से ना वो पिंपल भी नहीं गर्मियों में निकलेंगे। ये मेरी तरह से रिकमेंडेड है, ये भी मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ। उसके बाद बात करते हैं इनके इस क्लींज़र की। अच्छा, इनका क्लींज़र अच्छा है, लेकिन इसकी ना मुझे स्मेल नहीं अच्छी लगी थी। जिस तरह एक खुशबू आती होती है ना फेस वॉशेज में से, करते सा हाँ, वो वाली स्मेल नहीं थी। बाकी इसका क्लींज़र बहुत अच्छा है। अगर किसी को स्मेल से इशू है, कुछ लोग कहते हैं ना स्मेल से एलर्जी है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होनी चाहिए, ये उनके लिए नहीं है। जिनको स्मेल से इशू नहीं है, ये क्लींज़र फिर उनके लिए अच्छा है। उसके बाद आती हैं इनकी ये दो प्रोडक्ट्स। सबसे पहले है नायसिनमाइड। ये क्या करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। और ये जो रेटिनॉल है ना, ये नायसिनमाइड रेटिनॉल, इनको आप लोग ने ध्यान से इस्तेमाल करना होता है, या तो आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देते हैं। थोड़ी सी गफलत अगर हो तो ख़राब भी हो सकती है। फेस वैक्स नहीं आप लोगों ने की होनी चाहिए, उसके फ़ौरन बाद नहीं यूज़ करना, फेशियल के फ़ौरन बाद नहीं यूज़ करना, ब्लीच के फ़ौरन बाद ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। डायरेक्ट सन में इनको लगा के नहीं निकलते। बाकी ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। ये आपके पोर्स मिनिमाइज़ करेगा, स्किन जो स्वेल हुई है उसको ख़त्म करेगा, ये एक्नी को ट्रीट करेगा। और ये लास्ट चीज़, अभी जब एक्नी होगी ना फिर यूज़ करूँगी, इसको तो मैंने अभी खोला भी नहीं है। ठीक है जी, ये जो लोग पूछ रहे थे इसका, ये मैंने बता दिया आप लोग को। पेज टैग है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप पेज से पूछ लें, या कोई स्किन का इशू है तो आप लोग पूछ देंगे हम पे कौन सी प्रोडक्ट सूट करेगी, वो भी आप लोगों को गाइड कर देंगे। चलें जी, अब तैयारी करते हैं इफ्तारी की। यह मैं पकौड़े बनाने लगी हूँ। आंटी जी पालक पकड़ाइएगा, मैं चला देती हूँ, मैं अभी चला देती हूँ। ये हमने पालक शामिल कर दी। आप लोग बताएं आज आप लोग ने क्या बनाया है इफ्तारी में। ये जी एक मेरी बहुत ही प्यारी फॉलोवर खुद इतना सफ़र करके मुझे घर स्पेशली देने आई हैं इफ्तारी की सारी चीज़ें, बहुत शुक्रिया। उन्होंने काफ़ी एहतमाम किया, तो सिर्फ अभी एक डिश दिखा रही हूँ आप लोग को, और यहाँ से थोड़ा सा भी आंटी को दिए रोज़ा खोलने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे चाय पीनी, सुस्ती चढ़ी हुई है, मैं भी बनाती हूँ। जी जनाब, चाय इज रेडी। मानो आहिस्ता आहिस्ता, इसका गला बैठ जाने, इसका गला बेटा बैठ जाने। ओ तेरी फोटो। चलो, फिस की आवाज ही नहीं आई, कोई हाल नहीं वीडियो का भी, कसम से। गैस वेयर आर यू? हाँ जी, जो लोग पूछ रहे हैं कि आप वीडियो बना रही हैं, वीडियो बनाने तो लगी थी, भूख लग गई, फिर पसीना आना शुरू हो गया। मैंने कहा क्या कर, बनानी है दफ़ा करो कल से ही। आप लोग बताए, क्योंकि वीडियो बनाने वक्त ना थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है, अगर ऊंचा नहीं बोलते ना, काफ़ी लोग के मोबाइल ऐसे हैं कि उनके ना वॉल्यूम का बटन ख़राब हुआ हुआ है। जिनके मोबाइल ठीक है वो तो आहिस्ता कर लेते हैं, जिनके मोबाइल का वॉल्यूम